दोस्तों, आपने टैक्सीज में कई बार ट्रैवल किया होगा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये टैक्सीज उड़ने लगे तो? जी हाँ फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं एयर टैक्सीज की। वोलोकॉप्टर कंपनी दुनिया का एक बहुत ही एडवांस्ड एयर टैक्सी ऑपरेटर है और बहुत सारी कंट्रीज जैसे जर्मनी, सिंगापुर, दुबई ने पहले ही इन्हें लाइसेंस दे दिया है। प्लान ये है कि 2024 से ये सर्विस सिंगापुर में शुरू हो जाएगी और 10 से 20 एयर टैक्सीज यहाँ की पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जैसे कि मरीना बे सैंड्स और सेंटोसा को सिंगापुर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेंगी। ये एयर टैक्सीज वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग का उपयोग करेंगी। ये बैटरी ऑपरेटेड एयर टैक्सीज एक छोटे हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में 4 से 5 गुना शांत हैं और ये लगभग 200 किलो का वेट उठा सकती हैं। इनकी टॉप स्पीड भी 110 किलोमीटर पर आर है। इनफैक्ट अगले 1-2 सालों तक ये एयर टैक्सी सिंगापुर से इंडोनेशिया और मलेशिया की टॉप सिटीज का ट्रैवल टाइम भी घंटों से मिनटों में कर देंगी। इन एयर टैक्सीज के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। गाइस, दूसरे विश्व युद्ध के वक्त जापान कॉपीकैट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम था और तब मोटिया अकियो नाम के एक जापानी शख्स ने जापान में सोनी कंपनी की स्थापना की। उनके लिए सोनी सिर्फ एक बिजनेस कंपनी ही नहीं थी बल्कि एक मिशन था जिसमें वो चाहते थे कि जापान को पूरी दुनिया में एक क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने वाले देश का रुतबा मिले, क्योंकि मोटिया अकियो सोनी के जरिए दुनिया को बताना चाहते थे कि हम भी यानी कि जापान भी अच्छे और असली प्रोडक्ट बना सकता है। गाइस, मोटिया अकियो ने सोनी को एक बिजनेस नहीं बल्कि एक मिशन बनाया और आज पूरी दुनिया में सोनी का और जापान का असली प्रोडक्ट बनाने में डंका बजता है। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।